तो फ्रेंड्स, बनाना शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है आइस क्यूब्स, 2 टेबलस्पून जितनी चीनी, थोड़े से बादाम, 2 बनानास को मैंने चॉप कर लिया है और 1 कप जितना दूध। अभी मैंने लिया है यहाँ पे मिक्सी का जार, उसके अंदर हम लोग डालेंगे बादाम। इसी के साथ में मैंने 1 इलायची भी ली है थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर चीनी। चीनी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर बनाना। और बनाना डालने के बाद में हम लोग डालेंगे इसके अंदर मिल्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कप जितना दूध लिया है। अगर आप लोग चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो दूध डालने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे आइस क्यूब्स। आप इसको बिना आइस क्यूब से भी बना सकते हो, पर आइस क्यूब डालने से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा सा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बस हमें इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ही चला कर लेना है। और आप लोग देख सकते हो जो हमारा बनाना शेक है वो भी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रखेंगे इसको साइड में। तो मैंने यहाँ पर 1 ग्लास लिया है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए चॉकलेट सिरप डाल कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो, पर इससे थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। अभी जो बनाना शेक है वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं ऐसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।